अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज वेलकम। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बना सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल सरसों का साग आलू की रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू ले लिए, हमारे पास ये 4 अदद है। इस तरीके से इनको हमने कट कर लिया था आलू को। और यहाँ पर हमने सरसों का साग ले लिया है 1/2 किलो, को भी इस तरीके से हमने कट कर लिया था। टमाटर है हमारे पास 2 अदद, इनको भी इस तरीके से कट कर लिया। ग्रीन चिलीज है हमारे पास 3 से 4 अदद और प्याज है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इन दोनों को हमने कट कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई लाल मिर्ची ले ली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है हमारे पास, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और यहाँ पर 1 अदद हमने 1 से 2 अदद लहसुन ले लिए थे, इनको इस तरीके से काट लिया हमने। नमक लेंगे हम हंसब ज़रूरत। तो देखिए हमने इसके अंदर 1/2 कप सरसों का तेल ऐड करा था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने प्याज को फ्राई कर लिया था, ये लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर साग ऐड कर देंगे सरसों का, मिक्स कर लेंगे इनको। तो देखिए हमने इसको 15 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लिया था, इसको अब हम ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे और इनको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। तो अब इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून अलग से ज़ीरा ऐड किया था। अब इसके अंदर हम अब जो हमने सरसों के साग का पेस्ट रेडी करा था वो ऐड कर देंगे, इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, तो अच्छे तरीके से जो है हमने मिक्स कर लिया था इनको। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम अपनी ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, हरी मिर्च और ये अपने मसाले। इसी के साथ नमक भी ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत और इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको 25 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो है पका लिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, सब हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे मजेदार से जो हमारी आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल सरसों के साग आलू रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।